मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक संगठन की खुली बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखा, जिस पर सीडीओ ने उनकी समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। बैठक में एआरपी चयन एवं ऑपरेशन कायाकल्प पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित अधिकारी और शिक्षक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। ईमानदारी काम करते हैं सब, मैं आप सुनिश्चित करता हूं मुझे सम्मान भी मिलना चाहिए। अगर हमारा सहयोग प्रधान नहीं करता है न करे, मैं करूंगा, लेकिन मेरे लोग मेरा सहयोग करते हैं तो मैं सारी लड़ाई सब लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम भी है और उसको आप स्वतः सबके साथ मुआयना कर लीजिए, हमारी बातों पे पैसा का विश्वास न करें, मैं ये चाहता हूँ। और दूसरी चीज, ड्रेस की जहाँ तक बात है, आप किसी संस्था किसी उसको कह दीजिए, हम लोग कंप्लीट रूप से चेक सामूहिक रूप से उनको दे देंगे। आदर्शता होनी चाहिए, क्योंकि हम चोर बनेंगे, हम अध्यापक चोर बनेंगे, इसलिए हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारे ऊपर उंगली उठेगी, लेकिन उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगी। वो फर्जी प्रमाण पत्र लेके आ रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन कर आया हूँ, वो फलाने साहब का सिफारिश सब लेके आ रहे हैं, संस्था से हम चेक काट के देंगे। क्यों भाई देखिए, वो सर आपसे अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, हमारे बीएसए साहब बड़े ही एनर्जेटिक बीएसए हैं, हमारे संगठन के लोग बड़े ही एनर्जेटिक हैं, थोड़ा सा सर आपका सहयोग मिल जाएगा, दोनों की एनर्जी दोनों दोगुना हो जाएगी। दूसरी, इस जो फर्जी सर्टिफिकेट वाला सर, इसलिए आप खत्म से बदनती है, जितने लोग बैठे हैं सर सारे बच्चे लोगों का हमारे यहाँ सर एक सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, देखिए हमारे यहाँ हमारे ऑफिस एक श्रीमान जी बाबू है, ये फर्जी है, वो फर्जी है, और अखबारों में बहुत बढ़िया उसको निकाल जी, बड़ी सर सर बड़ी हेडिंग लगती है मतलब, और आपके ऑफिस से ये कुछ नहीं होना चाहिए, मतदान होकर वहाँ से कोई लीक कर रहा है तो उसको उसके खिलाफ एक्शन ले, ये थोड़ी है। उसके खिलाफ कार्रवाई कर, ये भी हो सकता है कि ऑफिस से लीक कर रहा है मीडिया को, कोई हमको सिर्फ इस बात का है कि मुझसे पूछ रहा है क्या रविंद्र सिंह आप फर्जी हैं, हम फर्जी नहीं हुए, हमारी जांच नहीं हुई और हमको लेटर दे दिया गया, मैं फर्जी घोषित हूँ। लेकिन एंडलेस नहीं होता था, लेकिन ये बात है कि क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव में हमें कुछ ना कुछ सही होता है, और जब हम यूपीएससी का आंसर भी लिखते हैं तो आप मल्टी पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हैं, आप एक ही पर्सपेक्टिव को नहीं करते अप्रिशिएट। इंटरव्यू में भी अगर आप मल्टीपल व्यूज देते हो या मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आंसर लिखते हो, दे अप्रिशिएट, आई थिंक उसका कारण ही है। तो आपकी जो बातें जैसी होना है, आपकी जो बात की आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं आप किसी को माना नहीं करते जी, तो बहुत आसान है जी, आज के समय में कुछ भी डालो, एक लेटर लिख दो, लिख कर मल्टी मीडिया सोशल मीडिया में डालो। हमारे विद्यालयों में जो भी इंडिया मार्क हैंडपम्प लगे हैं सर, विगत 10 वर्षों से किसी का भी रिपोर्ट नहीं है, और सारे जगहों पर पानी वो गंदा पानी आने लगा, क्योंकि आप अभी मौसम चलिए सर, गोरखपुर जंगल में पानी का लेवल बहुत खराब है, तो सर मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यालयों में पेयजल की उचित व्यवस्था हो जाए, और उसमें जहाँ इंडिया मार्का लगा है या तो नया लग जाए, क्योंकि 10-15 सालों के अंदर का कोई इंडिया मार्का नहीं, या तो रिपोर्ट हो जाए सारे विद्यालय। सर
अपने गांव के बच्चों से संपर्क किया और शायद बी एस एस साहब सहमत भी हूँ कि शासनादेश बाद में आया है कि हम ऑनलाइन क्लास चलाएं, लेकिन हमारे जिले के शिक्षकों ने यह काम पहले शुरू कर दिया, क्योंकि सर हमारा समायोजन छात्र संख्या पर निर्भर था, हमें डर है कि हमारे बच्चे भाग न जाएं, तो इसलिए हमारे शिक्षकों ने यह काम शुरू कर दिया और उसके बल पर हम सब विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपने जो संवाद शुरू किया है, अगर आप विद्यालयों में जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ति करा दें। सर शौचालय के बारे में सर मैं कहना चाहूँगा, हमारे किसी भी गांव में अगर कोई नया विद्यालय बना तो शौचालय ठीक ठाक है, या दो चार दस कुछ गांव से ग्राम प्रधान लोग सुनाए वहाँ शौचालय बनने, तो अधिकतर विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सर बहुत कठिन है, हम लोग दिन भर जब बैठते हैं सर वहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सड़कों के किनारे खड़ा होना पड़ता है और महिलाओं जो हमारी महिला शिक्षक हैं उनके लिए बहुत समस्या है। सर शौचालय की व्यवस्था आप सभी विद्यालयों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत पहले सही करें, उसके बाद बाउंड्री करवा दीजिए, बाकी चीज़ें भी आप अगर करा देंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा माहौल देंगे कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप खुद हो जाएंगे।